गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब अपने घरों में सेफ होंगे। चलो आज हम लोग इंग्लिश में डी लिखना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सी लिखना सिखाया था, आज हम लोग डी लिखना सीखेंगे। तो अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालो और डी लिखना सीखो। पहले रेड लाइन से मिडिल लाइन तक एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है और वहाँ से हाफ गोल जो सर्कल करते हो या फिर उल्टा सी ही समझो, बड़ा सा सी लिख देना है। इस तरह से ये डी बन जाएगा, इट डी। अगेन देखो, रेड लाइन से मिडिल लाइन तक सीधी लाइन और उल्टा सी, ये क्या हो गया? डी, इट्स डी, डी फॉर डॉग। फिर से देखो, रेड लाइन से मिडिल लाइन तक और उल्टी सी, ये हो। अगेन रेड लाइन से मिडिल लाइन तक और एक उल्टा सी लिख देना है। इस तरह से ये डी हो जाएगा। एक बार और देखो, फिर से रेड लाइन से मिडिल लाइन सीधी लाइन और एक बड़ी सी सी, इस प्रकार ये डी बन जाएगा। इट्स डी, डी फॉर डॉग। ऐसे लिखना है, रेड लाइन से और उल्टा सी। लिख लोगे? नहीं आएगा तो आप लोग डॉट से लिखोगे, सीधी सीधी लाइन पे डॉट दे लेना, तो ये डी बन जाएगा। ऐसे जैसे मैं दे रही हूँ या आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लिखोगे तो आसानी से तुम लिख लोगे। इसी पे अपनी पेंसिल चलाओगे, डी बन जाएगा। ओके, ये जो पेजेस हैं खाली, इस पे आपका होमवर्क है, आप डी लिखोगे। ये जो पेज है इस पे आप लोग लिखोगे, ये डी होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट मैथ्स में हम लोग आज फोर लिखना सीखेंगे। कल आपको हमने थ्री लिखना सिखाया था, आज हम लोग फोर लिखेंगे। तो मैथ्स की कॉपी निकालोगे और फोर लिखोगे। एक सीधी सी लाइन देना और एक छोटी सी लाइन से इधर फोर, या समझो तो वन, एक और वन और सीधी सी लाइन फोर। इस तरह से एक वन छोटी सी से टच करते हुए और एक सीधी सी बड़ी लाइन फोर, वन, ये फोर आपका हो जाएगा। फिर से देखो, अगेन वन, इधर से उल्टी वन और एक और सीधी सी लाइन फोर। बहुत आसान है, इस तरह से लिखना है। अगर नहीं आएगा तो आप डॉट दे लेना, डॉट से लिखोगे तो आसानी से लिख पाओगे। इस तरह से डॉट डॉट दे लेना आसानी से। इसी पे पेंसिल आप चला दोगे का फोर ये हो जाएगा। ये जो है आपका होमवर्क रहा। ओके, नेक्स्ट हिंदी। हिंदी में हम लोग कल ग लिखना सिखाया था, घ से गमला, आज हम लोग घ से घर लिखेंगे या घ से घड़ी, बहुत सारे होते हैं घ से। तो घ कैसे लिखोगे? जैसे मैंने मैथ्स में थ्री लिखना सिखाया था, बड़ा सा थ्री लिखोगे और यहाँ से एक लाइन टच कर दोगे, ये बन जाएगा आपका घ, घ से घड़ी। कैसे लिखोगे? बड़ा सा थ्री और इसे टच करते हुए एक सीधी सी लाइन घ लिखोगे, घ। उल्टा थ्री और एक बड़ा सा डंडा स्टिक बोलो, घ बन जाएगा। अगेन उल्टा थ्री और एक बड़ा सा डंडा, दादाजी का डंडा बना देना, बन जाएगा ये घ, घ से घर, जिस घर में हम लोग सब रहते हैं। थ्री, उल्टा थ्री, दादाजी का डंडा, बन गया घ, घ से घर, घ से घर। फिर भी नहीं आएगा तो आप डॉट डॉट दे लेना, इस तरह से। ये आपका
घ बन जाएगा। और इसी में अपना पेंसिल चला लोगे इस तरीके से, तो ये आपका घ बन जाएगा। देखा कितना आसान है, और जितना है आपका पेज ये बचा हुआ, उस पर आपका होमवर्क रहा। ओके।